यहां पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। केतार प्रखंड के चनवा पर विद्यालय आज भी अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। वहां के समाज सेवी मानदेव सिंह खरवार ने बताया कि स्कूल वर्ग 1 से 5 तक है, जिसमें 60 से 70 बच्चे हैं, सिर्फ 2 ही पारा शिक्षक हैं और उन्हीं 2 पारा शिक्षकों के सहारे ही सुचारू रूप से पढ़ाया जा रहा है। लेकिन स्कूल की मुख्य समस्या पंडा नदी के किनारे ही स्कूल के होने के कारण बराबर शिक्षक एवं बच्चों को भय बना रहता है कि स्कूल में कब पंडा नदी का पानी बहकर घुस जाए। मालूम हो कि 2017 जुलाई माह में पानी घुसकर स्कूल में परेशान कर गया था, लेकिन स्कूल की उस दिन छुट्टी थी। अगर स्कूल में छुट्टी नहीं रहती तो कितने बच्चे काल के गाल में समा जाते। अगर समय रहते 4 दीवारी का निर्माण नहीं कराया गया तो आने वाला समय सरकार के लिए महंगा पड़ सकता है। वहां के ग्रामीणों ने एक स्वर में सरकार से मांग की है कि अविलंब स्कूल के चारों तरफ 4 दीवारी का निर्माण कराया जाए। मांग करने वालों में विपत्त बैठा, शिव भजन पाल सहित अन्य लोगों का नाम शामिल है। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।